बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव अपनी चौथी सूची जारी की। आपको बता दें कि बसपा की आज सामने आई सूची में 9 प्रत्याशियों के नाम हैं। आपको बता दें कि बसपा की इस लिस्ट में घोसी, आजमगढ़, एटा, चंदौली, धौरहरा, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। बसपा ने आजमगढ़ जिले की लालगंज सुरक्षित सीट से डॉक्टर इंदु चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ से बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को बीएसपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिया है। अटकलें लगाई जा रही थीं कि आजमगढ़ लोकसभा से अकबर अहमद डंपी उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन आज सारी अटकलों पर पानी फिर गया। आज मायावती ने आजमगढ़ से अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बसपा ने आज अपना पत्ता खोल दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं और सूत्रों की माने तो अकबर अहमद डंपी और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच बात लगभग फाइनल हो गई थी। अकबर अहमद डंपी आजमगढ़ लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी हो सकते थे, लेकिन किस वजह से मायावती ने अकबर अहमद डंपी को आजमगढ़ से लोकसभा उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया, अब यह वो ही बता सकती है। आपको बता दें कि अकबर अहमद डंपी का मुस्लिम और स्वर्ण वोटरों में काफी अच्छी पकड़ है। अगर उन्हें उम्मीदवार बनाया गया होता तो आजमगढ़ का चुनाव त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल सकती थी, लेकिन अब आजमगढ़ चुनाव सपा वर्सेस बीजेपी देखने को मिल सकता है। कमेंट करके बताएं इस बार का आजमगढ़ लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा, अखिलेश मायावती या निरहुआ।